तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम काफ़ी कमाल की एक अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि पिछली वीडियो में रह गई थी। मुझे ये फीचर पहले नहीं मिला था लेकिन अभी मिल चुका है। व्हाट्सएप में एक एंड्रॉइड अपडेट आ चुकी है डिसअपीयरिंग मैसेज की। तो कैसे काम करता है और अगर आपको नहीं मिला है तो कैसे मिलेगा, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मैंने जो है फ़ोन को रीसेट कर लिया है, उसके बाद में आप देख सकते हो इसीलिए सब में अपडेट आया हुआ है। और पिछली वीडियो में आपने देखा होगा मुझे ये अपडेट पहले नहीं मिला था लेकिन अभी रीसेट करने के बाद में मिल चुका है जैसे मैंने अपडेट किया। तो अभी मैं अगर जाता हूँ ग्रुप इन्फॉर्मेशन में तो यहाँ पर आपको एक एंड्रॉयड अपडेट देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी सारे एंड्रॉयड फ़ोन्स में भी अभी तक नहीं आई है। यहाँ पर आप देख सकते हो डिसअपीयरिंग मैसेज का लिखा हुआ आ चुका है। इसको अगर आप ऑन कर देते हो तो कोई भी जो मैसेज होगा वो 7 दिन के अंदर में डिलीट हो जाएगा। यानी अगर आपने आज मैसेज सेंड किया है तो वो 7 दिन के अंदर में अपने आप डिलीट हो जाएगा। तो इससे काफ़ी सारे फायदे हैं जैसे कि चैट कभी फुल नहीं होगी, 7 दिन के बाद में जो मैसेज है वो अपने आप डिलीट हो जाएंगे। यानी कोई भी जो मैसेज होगा वो सिर्फ 7 दिन के लिए यहाँ पर होगा। और ऐसा भी हो जाता है कई बार आप ग्रुप छोड़ देते हो लेकिन आपके जो मैसेज है वो अभी भी ग्रुप में होते हैं तो वो 7 दिन के बाद अपने आप डिलीट हो जाएंगे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। और आप देख सकते हो जिस ग्रुप में मैंने इनेबल किया है वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ चुका है जिससे मैं इसको ऑफ भी कर सकता हूँ। और इसके अलावा जो ग्रुप का आइकन है वहाँ पर एक टाइमर जैसा जो आइकन है वो आ चुका है, यानी एक क्लॉक का जो साइन है वो आ चुका है। और कुछ दिन पहले जो एंड्रॉइड के लिए इसके न्यूज़ आई थी कि ये वाला फीचर जो आने वाला है लेकिन मुझे एंड्रॉइड फ़ोन में अभी तक नहीं मिला है, जियो फ़ोन में मुझे पहले मिल चुका है। तो आपको ये अपडेट मिला या नहीं कमेंट करके बता दीजिएगा। और बाकी रीसेट करने से मुझे मिल चुका है तो आपको भी मिल जाएगा शायद। और ये ठीक से काम करता है या नहीं ये तो मुझे एक हफ्ते के बाद में ही पता चलेगा, तो वो मैं आपको ट्राई करके ज़रूर से बता दूंगा। बाकी काफ़ी अच्छी अपडेट है। आपको कोई और अपडेट देखने को मिली हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।